हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक के अकाउंट से या फिर फेसबुक के पेज से या फिर व्हाट्सएप से या किसी भी सोशल मीडिया साइट से कैसे लिंक करें। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्पेशली फेसबुक से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे फेसबुक के पेज को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कैसे लिंक किया जाता है। तो उसमें ये भी होता है कि मतलब आप अगर रील्स अपलोड करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे तो वो ऑटोमेटिकली फेसबुक के पेज पर भी अपलोड हो जाएगा। अगर कोई यहाँ पे कमेंट करता है तो वहाँ भी शो करेगा। अगर अगर आपका इंस्टाग्राम का वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइन मतलब वॉयलेट करता है तो वहाँ भी वो भी वीडियो डिलीट हो जाएगा और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों साथ साथ डिलीट होगा। तो कुछ इसके फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता देते हैं कैसे लिंक किया जाता है। सबसे पहले आपके फ़ोन में दोनों ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, एक तो ये इंस्टाग्राम और फेसबुक भी। तो सबसे पहले हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो चलिए, ओपन करने के बाद फिर उसके बाद नीचे में आ जाएंगे अपने प्रोफाइल के आइकन पे, सबसे नीचे राइट कॉर्नर पे, वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर में आपको तीन लाइन मिल जाएगा ऊपर के राइट कॉर्नर में, वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको सबसे फर्स्ट वाले सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर में सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ पर मेटा अकाउंट सेंटर और फिर यहाँ पर एक ये अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक कर लिए, यहाँ से अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक कर लिए। क्लिक करते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको चले जाना है शेयर टू अदर ऐप्स पे, यहाँ पे मिल जाएगा देखने को शेयर टू अदर ऐप्स पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको देखिए ट्विटर, टम्बलर, मतलब यहाँ पे आपको अगर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आपका है तो वो भी यहाँ पे शो कर देगा, तो यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ से लिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे मेरे फेसबुक अकाउंट से तीन तीन पेज मतलब कनेक्टेड है, तो तीनों पेज शो कर दिया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके अकाउंट पे अगर हम अपलोड करते हैं कोई फ़ोटो या वीडियो तो कहाँ पे शो करें, आपके फेसबुक ओरिजिनल मतलब मेन प्रोफाइल में या फिर किसी पेज पे। ये तीनों फ्रेंड्स मेरा पेज है और ये मतलब प्रोफाइल है। तो यहाँ पे हम अपने प्रोफाइल पे रहने देंगे। अगर आप अपना पेज बनाया है तो पेज से लिंक करना चाहते हैं तो आप पेज पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं, वहाँ पे देखिए शो करने लगा। और फिर यहाँ से पूछ रहा है कि आप अगर आप स्टोरी लगाएंगे तो स्टोरी भी शो कर देगा वहाँ पे, इंस्टाग्राम स्टोरी भी, और अगर पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट भी शो कर देगा वहाँ पे। और यहाँ पे सेटअप मतलब रील्स वगैरह के लिए यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा, आप जाकर वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना प्रोफाइल ही रहने देते हैं, यहाँ पर प्रोफाइल करके बैक कर लेते हैं। और एक बार आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, बैक कर लेंगे और एक बार बैक कर लेंगे, एक बार फिर से बैक कर लेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे में जैसे बताया आपको कि मेटा के नीचे दिया हुआ है अकाउंट सेंटर, तो आप वहाँ पे अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर लीजिएगा। लिंक करके आप चाहें तो डी लिंक में या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है मतलब मेरा फेसबुक अकाउंट का वो यूज़र नेम भी और इसका इंस्टाग्राम अकाउंट का भी यूज़र नेम, दोनों यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिंक्ड है, यहाँ पे फेसबुक अकाउंट हो गया और ये इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ। तो और यहाँ पे अगर चाहें तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करके और भी अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे में चले जाएंगे, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है कि आपको रिमूव करना है फेसबुक अकाउंट, तो यहाँ से आप क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा कम्प्लीट वीडियो फेसबुक अकाउंट के पेज को इंस्टाग्राम के अकाउंट से लिंक करने का। तो आप अगर चाहें तो यहाँ से अपने किसी भी रील्स को यहाँ से मतलब अपलोड करेंगे और वहाँ भी ऑटोमेटिकली वो शो करने लगेगा, मतलब वहाँ भी अपलोड हो जाएगा। तो आप दोनों जगह से व्यू ले सकते हैं और मतलब दोनों सोशल मीडिया पे एक साथ अपलोड कर सकते हैं, आपको दोनों जगह बारी बारी से जाकर अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।